कहाँ है तुम्हारे ताज श्री कृष्ण? वहीं होंगे वन में अपनी राधा के साथ। बांसुरी बजा रहे होंगे। काकाश्री, आप? आप यहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो अपने गुरु भाइयों के साथ ही सोऊंगा। देखा साम काका, मैंने कहा था ना आपसे, आप व्यर्थ में क्रोधित हो रहे थे। साम, मैं यहाँ पे सोऊंगा, इस बात से तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं। ठीक है, मैं अपने पुत्र के पास सोना चाहता हूँ, यदि थोड़ा स्थान मिल जाए तो। अब पहली बार हमारे साथ सोएंगे, शुल्क देना होगा। वाह वाह वाह, अब अपने गुरु भाई से ही शुल्क लोगे? हाँ, क्यों नहीं। हाँ ताजश्री, शुल्क तो आपको देना होगा, वो भी अपने विषय में एक कहानी सुनानी होगी, और वो भी कोई ऐसी कहानी जो आज तक आपने किसी को ना सुनाई हो। ठीक है, मैं कहानी अवश्य सुनाऊंगा, किंतु अपने विषय में नहीं, मेरी तो सारी कहानियां सभी को ज्ञात है। मैं बताऊंगा सांब की कहानी, कथा सांब के जन्म की। मैंने आज तक जो किया स्वयं ही किया, किंतु सांब के लिए मुझे महादेव का रुद्र तप करना पड़ा। अत्यंत भयानक तप था, किंतु अंततः मेरे आराध्य महादेव की मुझ पर कृपा हुई और सांब ने जन्म लिया। इसलिए तो शंभू के नाम से ही इसका नाम है सांब। अनेक तपस्याओं के पश्चात मुझे सांब प्राप्त हुआ है, इसलिए वो मुझे बहुत प्रिय है। सांब काका, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि आपका जन्म इतना विशेष है। हाँ, अब तो सिद्ध हो गया कि काका श्री तुमसे ही अधिक प्रेम करते हैं सांब। आज कृष्ण ने पहली बार सबके समक्ष कहा है कि सांब उसे बहुत प्रिय है। मुझे विश्वास है कि अब सांब बदल जाएगा, उसके मन से मलिनता चली जाएगी, अब सब संबंध बदल जाएंगे। यदि आप सत्य में मुझसे प्रेम करते हैं तो आज मेरे लिए बांसुरी बजाइए, जो आप सदैव राधा के लिए बजाते हैं। क्यों नहीं, आज तुम अनुभव करोगे बांसुरी की शक्ति, प्रेम का सुर, जिसे संसार में युद्ध होते हैं सांब, उससे भी बड़े युद्ध हमारे मन में लड़े जाते हैं, और इन्हीं युद्ध के कारण हम सो नहीं पाते। बांसुरी का एक स्वर और ये सारे युद्ध शांत हो जाते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता, मन के युद्ध से कभी विराम नहीं मिल सकता है। मेरे मन का द्वंद्व मुझे कभी विश्राम नहीं लेने देता। समझ सकता हूँ, पर तुम जानोगे संगीत क्या होता है, ये संगीत कितना शुभ होता है। ये संगीत विराम भी देता है और विश्राम भी।
गए साम, मन के सारे युद्ध शांत हो गए ना, होंगे ही साम, क्योंकि प्रेम की बांसुरी से केवल सुर नहीं शांति बहती है, राधा बहती है साम। और जिस क्षण तुम ये अनुभव कर लोगे, तुम शांति, संतोष और सौजन्यता अनुभव करोगे, तत्पश्चात राधा कृष्ण के साथ पर कभी ईर्ष्या नहीं करोगे। आज तक मैंने तुम्हारे सारे रूप देखे हैं कृष्ण, और हर रूप से प्रेम किया है, किंतु आज पहली बार मैंने तुम्हारे भीतर के पिता को देखा, और तुम्हारे लिए सम्मान और भी बढ़ गया। मैंने जो किया वो मेरी सखी की इच्छा ही थी, तुम्हारी इच्छा जो मेरे लिए आदेश है, क्योंकि मैं जानता हूँ राधा जो कहती है करती है उसमें प्रेम होता है। मैं जानता हूँ कि राधा जो भी कहती है वो कृष्ण के मन की बात ही होती है। सखी की कल्पना से, उसकी अपेक्षा से आज कहीं बढ़कर किया है तुमने। एक पिता पुत्र के मध्य इससे उत्तम संवाद, पुत्र का विवाद और पिता का आशीर्वाद आज से पहले ना कभी देखा है और ना ही सुना है, पर मुझे पूर्ण विश्वास था कि सांब एक दिन बदलेगा, उस पर तुम्हें, मुझे और समस्त द्वारका को गर्व होगा। आज हमने सिद्ध कर दिया है कृष्ण कि हम अपने कर्म से, कर्तव्य से कुछ भी कर सकते हैं। सांब की आंखों में देखो, बदल चुका है वो। मैंने बस अपना कर्म किया है राधा, फल मेरे हाथ में नहीं है। बस आशा करता हूँ कि सांब में शीघ्र सकारात्मक बदल आ जाए। मुझे विश्वास है ऐसा ही होगा। विदा अच्छा है, अब मेरे द्वारका लौटने का समय आ गया है। कृष्ण कुछ क्षण और रुक जाओ, अच्युता को तुमसे मिलना है, वो सदैव तुम्हारी ही बातें करती है। मेरा धर्म है कि मैं अपने आश्रम की आचार्य को तुमसे मिलवाऊं। कदाचित हमारी भेंट नियति में लिखी ही नहीं है आचार्य। नियति? कृष्ण नियति तो तुम ही हो, अच्युता से मिलकर जाओ। हाँ कृष्ण, रुक जाओ ना, अच्युता जी किसी भी क्षण आती ही होंगी, मिल लेना। नहीं आज नहीं, फिर कभी, किंतु अवश्य मिलूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा कृष्ण, कल्याण हो। आओ शिष्यो। रात्रि को अच्छी नींद आई पुत्र? हाँ, जो नींद को हरा दे वही सबसे बड़ा अस्त्र है, और बांसुरी सत्य में एक प्रबल अस्त्र है। बहुत अच्छा समय बीता सा, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के, बहुत प्रगति कर रहे हो तुम, बहुत बड़े हो गए। कदाचित इसीलिए मैंने भी अनुभव किया है कि आपको भी मुझसे प्रेम है, किंतु मैं पूर्णतः विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ पिताश्री, क्या आप सत्य में मुझसे प्रेम करते हैं? और यदि आप सत्य में मुझसे प्रेम करते हैं तो क्या आप जाते समय मेरी एक इच्छा पूर्ण करेंगे? अच्युता जी मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। पहले तो उन्होंने मेरा उपहास किया, और फिर जब मैं उनसे क्षमा मांगने गया तब भी उत्पात किया। कहती है कि वो आपके आदर्शों पर चलती है, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी श्री कृष्ण जैसा ही शक्तिशाली हूँ। अवश्य दिखाओ, समस्त संसार को दिखाओ कि तुम अपने पिता जितने ही नहीं उनसे भी अधिक शक्तिशाली। किंतु इसके पीछे का उद्देश्य किसी का अपमान नहीं साम, स्वयं का सम्मान होना चाहिए। कोई भी मुझसे आगे जा सकता है साम, तुम तो मुझसे बहुत आगे जा सकते हैं, बस कर्म का उद्देश्य शुभ होना चाहिए। और इसीलिए मुझे आपका अस्त्र चाहिए, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं भी उनके कृष्ण से कम नहीं। बस यही मेरी इच्छा है।